प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यहेजकेल अध्याय 37 का 1-14 वचन लेकर आई हूँ, सूखी हड्डियों की तराई। तो चलिए भाइयों बहनों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इजरायली बेबीलोन की गुलामी में अर्थात बंधुआई में अपना जीवन बिता रहे थे, और उसी गुलामी और बंधुआई की अवस्था में उनकी आशा टूट सी गई थी, अर्थात वह बहुत निराशा भरी और सूखी और उजड़ी हुई अवस्था में थे। इजरायलियों की ऐसी दशा इसलिए हो गई थी मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने जीवित परमेश्वर को जानकर भी उसकी आज्ञाओं को ना माना तथा मूर्ति पूजा के घृणित कामों में वह लग गए थे। इसीलिए उन पर ऐसी बंधुआई की व गुलामी की सी परिस्थितियां आ गई थी। परंतु हम देखते हैं वहां कि तब उन्हीं दिनों में यहेजकेल नाम का एक भविष्यवक्ता उनके बीच रहा करता था, जो परमेश्वर का भय रखता और यहोवा की उपासना किया करता था, और यहोवा परमेश्वर भी यहेजकेल से दर्शनों में बात किया करते थे। तब वहां यहोवा ने यहेजकेल को उस बंधुआई के समय में एक दर्शन दिया तथा यहेजकेल ने फिर वही दर्शन की बातें इसराइलियों को सुनाई इस प्रकार कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियां तो आप सभी जानते हैं कि कैसी सूखी पड़ी होती हैं, जिनमें जान प्राण श्वास कुछ भी नहीं होता। तब ऐसी ही तराई का यहोवा ने यहेजकेल को वहां दर्शन दिया। तब फिर यहेजकेल ने बताया कि परमेश्वर ने उस तराई में ले जाकर उसे उनके चारों ओर घुमाया और वहां तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत ही सूखी थी। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तब इस पर यहेजकेल ने उत्तर दिया कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। क्योंकि मेरे प्रियो, हर प्रश्न का उत्तर केवल यहोवा ही के पास है तथा वही सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यहेजकेल ने भी ऐसा ही कहा। तब आगे हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ऐसी उत्तम व जीवन व आनंद से भरी भविष्यवाणी करने को परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा। तब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनकर यहेजकेल ने उस आज्ञा के अनुसार वहां सूखी हड्डियों की तराई में खड़े रहकर भविष्यवाणी की, और जब वह अपने मुंह के शब्दों से भविष्यवाणी करने ही लगा तब अचानक एक आहट आई और भुई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और फिर उन हड्डियों में नसें उत्पन्न होने लगी और मांस चढ़ गया और वे हड्डियां चमड़े से ढक गईं, परंतु अभी भी उनमें सांस कुछ ना था। मेरे प्रियो, यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार यहेजकेल ने यहोवा की ऐसी आशा को सुना, ऐसी आज्ञा को सुना व माना भी, जो बिल्कुल असंभव जान पड़ती थी। और जब उसने उस आज्ञा को सुनकर वैसा ही किया तब उसके परिणाम को भी वहां देखा कि सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ गया और वह एक दूसरे से इकट्ठी होकर जुड़ गई। यहाँ एक बात आज्ञाकारिता के विषय भी हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु जब हम उन परिस्थितियों के बीच भी अपने परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसके अनुसार करते हैं तब हम असंभव को भी संभव होते हुए देख पाते हैं। क्योंकि जो आज्ञा सुनकर हम उस पर चलते हैं वह किसी मनुष्य की नहीं वरन उस परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं हैं, जिसने संपूर्ण सृष्टि की आप ही रचना की है, तो वह आज्ञा मानने पर तो अवश्य ही पूरी होंगी।
इसीलिए हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उन्हें मानकर पूरा करना चाहिए, उन पर संदेह नहीं रखना चाहिए कि कुछ दिख तो नहीं रहा तो कैसे पूरा होगा। नहीं, हमें अपने मनों में इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी आज्ञा को सुनकर हम पूरी करते हैं वह परमेश्वर मरुभूमि में भी मेह बरसाने वाला तथा मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब यहेजकेल ने इस प्रकार भविष्यवाणी की तब हड्डियां जुड़ गई तथा उन पर मांस चढ़ गया, परंतु सांस अभी भी बाकी थी। तब परमेश्वर ने फिर यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी कर कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। तब यहेजकेल ने परमेश्वर की यह आज्ञा को भी सुनकर वैसा ही किया और तब उन हड्डियों में सांस आ गई और वो जी कर अपने पांव के बल खड़े होकर एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। कैसा अद्भुत दृश्य हम यहाँ इन वचनों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार सूखी हड्डियों में भविष्यवाणी के द्वारा जीवन आ गया और वह एक बड़ी सेना भी हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ एक अन्य सीखने व समझने की बात है जो हम यहेजकेल के द्वारा देख पा रहे हैं कि वह है शब्दों की सामर्थ तथा विश्वास योग्यता का परिणाम। जी हाँ भाइयों बहनों, बाइबल दर्शाती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल अवश्य भोगेगा। और यहाँ हम सूखी हड्डियों में जीवन को शब्दों की सामर्थ से ही देख भी पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल में समाकर उसे सूखी हड्डियों में ले गया, तब वहां यहेजकेल सोच सकता था कि किस प्रकार इनमें प्राण, मांस और श्वास और जीवन आ सकते हैं, परंतु हम वहां देखते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, वरन परमेश्वर पिता की आज्ञा को प्राप्त कर विश्वास योग्यता के साथ भर कर वह अपने मुंह के शब्दों से जीवन की भविष्यवाणियां करने लगा और उसकी आज्ञाकारिता के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण तथा उसके द्वारा बोले गए सामर्थी मुंह के शब्दों के कारण ही उन सूखी हड्डियों में जीवन भी आ गया तथा वह एक सेना बन खड़ी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही आज हमें भी करने के लिए परमेश्वर सिखाते हैं कि चाहे हमारी परिस्थितियाँ उन सूखी हड्डियों की तराई सी ही क्यों ना हो, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई परिस्थितियों में ही क्यों ना घिरे हों, चाहे हमारे जीवनों में आशा समाप्त ही क्यों ना हो गई हो, तब भी यदि उन परिस्थितियों में हम यहोवा की आज्ञा प्राप्त कर विश्वास से भरकर जीवन के शब्दों की भविष्यवाणियां अपने मुंह से करेंगे तो हम निराशाओं में आशा को, मृत्यु में जीवन को और निर्बलताओं में एक सामर्थी बल को देख पाएंगे। अर्थात यह है कि शब्दों की सामर्थ से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से और विश्वास की मजबूती से हमारी असंभव परिस्थितियां भी संभव में बदल जाती हैं, जैसा हम यहाँ इस वचन में भी देख पा रहे हैं। तब जब भविष्यवाणियां पूरी हो गई दर्शनों में, तब फिर परमेश्वर ने यहेजकेल को स्पष्टता से समझाते हुए यह कहा कि हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की एक उपमा है। इज़राइली कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि अब तू भविष्यवाणी करके कह कि यहोवा यो कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा, क्योंकि उस समय वह बेबीलोन की गुलामी में थे। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा और यह कहा कि और जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, क्योंकि उन दिनों इसराइली झूठी उपासना करने में भटक गए थे और यहोवा परमेश्वर जो उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लाए थे उसे वह भूल गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा
तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइलियों की निराशा में एक आशा उत्पन्न की, उनके टूटे मन को फिर से विश्राम दिया और कहा कि मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में समा जाती है तब उसकी उजड़ी हुई और टूटी हुई निराशा से भरी हुई व सूखी हड्डियों से भरे जीवन में भी आशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवन ही देने आया है। मेरे प्रियो, अब हम इस अध्याय से कुछ गहरी बातों को सीख व समझ सकते हैं जो परमेश्वर आज हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारी परिस्थितियाँ दुखों से, तकलीफों से व निराशाओं से घिरी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों ओर घोर अंधकार ही अंधकार हो, फिर भी हमें घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं, जो सूखी भूमि पर मेह बरसाने वाला, निराशाओं में आशा उत्पन्न करने वाला, संकट में मार्ग दिखाने वाला तथा मृत्यु में जीवन उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और उसने हमारे मुँह के शब्दों में सामर्थ्य दिया है जिससे हम अपनी निर्बलताओं में, अपनी निराशाओं में, अपनी पीड़ाओं में जब परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसकी आज्ञा में खड़े व अड़े रहकर उसके विश्वास से भरकर जब भविष्यवाणियां करेंगे तब हम जीवन को देख पाएंगे। जैसे यहेजकेल ने भी जब सूखी हड्डियों की तराई में खड़े होकर विश्वास से भविष्यवाणी के शब्द कहे तो उन सूखी हड्डियों में भी जीवन समा गया, बिल्कुल इसी प्रकार आज हमें भी परमेश्वर की आत्मा से भरने की, उसकी आज्ञाओं पर चलने की, उसके विश्वास में बढ़ने की तथा जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है जिससे हम सूखी तराइयों में भी जीवन का आनंद उठा पाए और एक बड़ी सेना होकर उठ खड़े हो जाए। यही वहाँ यहेजकेल ने भी किया। और क्या आप जानते हैं कि यहेजकेल को ही क्यों परमेश्वर ने इसराइल में दर्शनों के लिए चुना? क्योंकि मेरे प्रियो, यहेजकेल ही एकमात्र ऐसा पुरुष था वहाँ जो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना किया करता था, इसराइल के छुटकारे की तथा परमेश्वर की आज्ञा में भी चलता था और उसमें उन बंधुआई की परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास था। इसीलिए परमेश्वर ने यहेजकेल को ही चुना तथा उसमें ही अपनी आत्मा समवाकर भविष्यवाणियां करने को कहा। तो ध्यान दे यहाँ भाइयों बहनों कि यदि हम एक प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले और विश्वास रखने वाले मनुष्य हैं तो अवश्य ही परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरेगा और हम अपने मुंह से सामर्थी शब्दों से भरकर जब भविष्यवाणियां करेंगे तब हम अवश्य अपनी आँखों से अपनी मरी सी परिस्थितियों में भी जीवन को देख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि चाहे तुम घोर अंधकार से भरी तराई में भी होकर चलो तब भी हानि से ना डरोगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे साथ रहता है। तो मेरे प्रियो, अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना हो, वरन उसी घड़ी आत्मा से भरकर उन निर्बल परिस्थितियों में विश्वास के साथ भरकर अपने मुंह से जीवन के शब्दों की घोषणाएं करें, फिर देखें कि परमेश्वर का वायदा है आपसे कि वह आपकी मृत सिचुएशंस में भी जीवन का श्वास भर देगा और वह जी उठकर एक बड़ी सेना हो जाएगी जिसे फिर कोई हरा ना सके और मिटा ना सके, जैसे आज इजरायली सेना भी है जिसके विषय परमेश्वर ने यहेजकेल से भविष्यवाणियां करवाई थी। तो मेरे प्रियो, हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के सामर्थी वचनों को अपने मुंह से अंगीकार करें और डरे नहीं, घबराए नहीं, याव से परमेश्वर के शब्दों का इस्तेमाल करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, विश्वास योग्यता से भरे रहें, फिर आप अपनी हर एक मरी हुई परिस्थिति में एक आनंदित जीवन को, एक भरपूरी को, एक आशा को देख पाएंगे और अनंत जीवन के आनंद के साथ वारिस भी बनेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन।
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।